गौर्या का वेट करता रहता है। गौर्या उसे अम्ब्रेला देती है। थैम चिल्लाकर कहता है कि मैंने आज तक किसी का इतना वेट नहीं किया। गौर्या कहती है कि क्या मैंने कहा था वेट करने के लिए? तुम बारिश से बचने के लिए साइड में खड़े हो सकते थे इडियट। थैम उसे इडियट बताता है। गौर्या उसे हिट करना स्टार्ट कर देती है। थैम की बारिश में भीग कर तबीयत खराब हो जाती है। गौर्या उसे चाय देती है। वह कहता है कि मैं बस हाई क्लास टी पीता हूँ। गौर्या वापस लेती है तो वह पी लेता है और उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। दोनों साथ में घूमते रहते हैं। थैम उसे फोटो क्लिक कराने के लिए कहता है पर वह नहीं कराती। एक टेडी बियर गौर्या को हक करने वाला होता है तो थैम गुस्सा करके कहता है कि मुझे हक करो, उसे नहीं। गौर्या उसे वहाँ से ले जाती है। जो पेपर टेडी बियर देता है उसमें लिखा होता है कि कपल्स फ्री में सनसेट देख सकते हैं। थैम वहाँ जाता है। कपल्स को फेरिस व्हील में बैठकर सनसेट देखना है। थैम डर जाता है। गौर्या कहती है कि चलो चलते हैं। थैम कहीं और चलने के लिए कहता है। गौर्या उसे चिढ़ाकर कहती है कि तुम्हें हाइट से डर लगता है। थैम कहता है कि मुझे डर नहीं लगता। उसके बाद फेरिस व्हील से थैम के चिल्लाने की आवाज़ आती है। गौर्या उसे सॉरी बोलने के लिए उसे डिनर पर चलने के लिए कहती है। थैम एक रेस्टोरेंट में जाता है तो गौर्या कहती है कि क्या हम कहीं और जा सकते हैं, ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। थैम कहता है कि मुझे भूख लगी है, अगर तुम बिल पे नहीं करोगी तो मैं कर दूंगा। तभी वहाँ का गेट लॉक हो जाता है। दोनों हेल्प के लिए चिल्लाते रहते हैं। गौर्या का फ़ोन ख़राब है और थैम के फ़ोन में चार्जिंग नहीं होती। गौर्या फिर से हेल्प के लिए चिल्लाती है। थैम उसके पास जाता है तो वह उसे पुश कर देती है और चेक करके कहती है कि तुम्हें तो फीवर है। गौर्या के पास मेडिसिन होती है, वह उसे खाने के लिए कहती है। थैम मना कर देता है। गौर्या उसे ज़बरदस्ती मेडिसिन दे देती है और उसकी केयर करना स्टार्ट कर देती है। थैम उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। गौर्या बताती है कि हम बहुत पुअर हैं, अब तक तो घर पर तूफान आ गया होगा कि उनकी बेटी घर पर नहीं है, तुम अपनी फैमिली के बारे में बताओ। थैम कहता है कि मैं कुछ भी करूं, कितने भी दिन गायब रहूं, कोई कुछ नहीं पूछेगा, हाँ बस टिया है। गौर्या भी उसे अपने छोटे भाई क्लाको के बारे में बताती है और कहती है कि वह तुमसे बेटर है। थैम कहता है कि मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। गौर्या कहती है कि मेरे भाई से दूर रहना। थैम कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। गौर्या पूछती है कि तुम लोगों को रेड कार्ड क्यों देते हो, ये गलत बात है। थैम कहता है कि अब से मैं रेड कार्ड कैंसिल कर दूंगा। गौर्या खुश हो जाती है। मॉर्निंग में थैम पहले उठ जाता है और चेक करता है कि क्या ये सो रही है और दोबारा लेटने वाला होता है। तभी किसी के आने पर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और गौर्या को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर आकर थैम कहता है कि तुम एफ4 के साथ डेट पर गई थी। गौर्या कहती है कि इसे डेट नहीं कहते। थैम पूछता है कि तुम्हें कैसी डेट चाहिए थी और उसके बालों से कुछ हटाकर छींक देता है। गौर्या स्माइल कर देती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। थैम उसे दोबारा साथ में बाहर चलने के लिए कहता है। वह मना कर देती है। दोनों हाँ ना करते रहते हैं। थैम बाद में मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। कोई गौर्या के पिक्चर्स क्लिक करता है। गौर्या अंदर आती है। उसका भाई पूछता है कि तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी। गौर्या पूछती है कि क्या हुआ है। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारे डैड ने किसी से लोन लिया हुआ है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता था और आर्ग्यू करना स्टार्ट कर देती हैं। गौर्या पूछती है कि कितना लोन है। वे 35,000 रुपये बताते हैं। गौर्या रूम में आकर पासबुक चेक करती है और अकाउंट में बस 1600 रुपये ही होते हैं। ड्रॉर में वह रैन का दिया हुआ हैंकी देखती है और उसके बाद उन लोगों के पास आती है जिससे उसके डैड ने लोन लिया हुआ है। वे कहती है कि अभी मेरे पास 2,000 रुपये हैं, बाकी मैं बाद में पे कर दूंगी। वे उसे बताते हैं कि पैसे कमाने का एक इजी रास्ता है। वे उसे बार गर्ल की जॉब ऑफर करता है। गौर्या उन्हें देखती है और मान जाती है। वे उसे ड्रेस चेंज करा के अंदर भेज देते हैं। कस्टमर उसे हक करने वाला होता है तो गौर्या उसे क्लब के रूल्स बताती है कि टच नहीं करना वरना गए। वह आदमी उसकी बातों पर हंसने लगता है और ड्रिंक करता रहता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। गौर्या कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए। वह कहता है कि अगर कोई बनना चाहे तो तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। वह थैम के बारे में सोचती है। वह आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है तो वह उसे हिट कर देती है और बॉडीगार्ड से कहती है कि अपने बॉस को बोल देना, मैं पैसे वापस करने का दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगी, और चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में गौर्या का फ़ोन फिर से ऑफ हो जाता है और सोशल मीडिया पर मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्ल्स वीडियो देखती हैं। हैना आकर उसे वीडियो दिखाती है। वीडियो में थैम और गौर्या साथ में होते हैं। हैना पूछती है कि क्या तुम थैम को डेट कर रही हो। सब गर्ल्स भी उससे यही पूछती हैं। वह मना करती है पर थैम आकर कहता है कि क्या हमारे डेट करने से किसी को कोई प्रॉब्लम है। और मैंने गौर्या का रेड कार्ड भी कैंसिल कर दिया है और कहता है कि जैसा कहा था कर दिया।
एमजे और केविन कैंटीन चिल्कर डेट के बारे में बात करने के लिए कहते हैं। थाइम गौरिया को साथ ले जाता है और गौरिया हैना को। उसके डेट की न्यूज भी पूरे स्कूल को पता चल जाती है। सब उनके साथ में आते हुए पिक्चर्स क्लिक करते हैं। गौरिया कहती है कि पहले ही घर पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अब ये हैना वहाँ से जाती है तो केविन उसे रोक लेता है। एमजे कहता है कि अब हमसे मत डरो और थाइम से पूछता है कि क्या ये सच है। गौरिया मना करती है। थाइम कहता है कि सच बोलो। गौरिया कहती है कि जबरदस्ती की डेट थी। केविन कहता है कि हमें पता था क्योंकि तुम रेन को लाइक करती हो। थाइम कहता है कि इसकी मर्जी है, ये चाहे जिसे लाइक करे। तुम लोग क्वेश्चंस करना बंद करो, उसकी रेस्पेक्ट करो। केविन कहता है कि हमारा फ्रेंड बड़ा हो गया है। गौरिया को भी कोल्ड हो जाता है। थाइम कहता है कि पूरी रात मेरे साथ रहकर तुम्हें भी कोल्ड हो गया है। एमजे और केविन उन्हें देखते हैं। गौरिया कहती है कि जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा नहीं है। थाइम बताओ इन लोगों को। थाइम कहता है कि सीधे सीधे बता दो जो भी हुआ है। दोनों हंसते रहते हैं। गौरिया कहती है कि जो सोचना है सोचो और हैना को लेकर वहाँ से चली जाती है। नीचे आकर हैना कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। थाइम जोर से कहता है कि गौरिया मेडिसिन लेना मत भूलना। गौरिया कहकर चली जाती है कि अपने पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। केविन कहता है कि क्या तुम गौरिया को लेकर सीरियस हो, तुम्हारी फैमिली नहीं मानेगी। हर बार तुम्हारी क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स को हम फिक्स करते हैं। गौरिया हमेशा जॉब ढूंढती रहती है और तुम बोरामा ग्रुप के इकलौते बेटे हो। तुम्हारी मॉम नहीं मानेंगी, तुम्हें पता है उन्होंने टिया की शादी भी जबरदस्ती की थी। तुम भी प्रॉब्लम में आ जाओगे। थाइम कहता है कि प्रॉब्लम में आने के लिए ट्राई तो करना पड़ेगा और चला जाता है। गौरिया रूम में जॉब ढूंढती रहती है। उसका भाई रूम में आता है और रैन का दिया हैंकी देख कर कहता है कि ये तुम्हें किसने दिया, क्या उसी वीडियो क्लिप वाले लड़के ने। गौरिया मना कर देती है। वह उसका फोन ठीक करने के लिए बोलकर ले जाता है। मेट थाइम के रूम में गौरिया का दिया टॉवल देखती है। गौरिया के डैड उसका फोन ठीक करते रहते हैं। डोरबेल बजने पर उन्हें लगता है कि लोन वाले पैसे लेने आए हैं। गौरिया बाहर आती है तो वहाँ थाइम होता है। गौरिया उसे घर जाने के लिए कहती है। उसके डैड बाहर आकर थाइम को डांटते हैं कि इतनी लेट इसी लड़की के घर आना ठीक नहीं है, तुम कौन हो। थाइम उन्हें अपना पूरा नाम बताता है। टीवी में भी उसी की न्यूज चलती रहती है। थाइम कहता है कि मैं ही हूँ। वे शौक हो जाते हैं, सब उसकी केयर करने में लग जाते हैं। एमजे और केविन फ्लावर शॉप में कनिंग से मिलने आते हैं। केविन उसे साथ में डिनर करने के लिए कहता है। थाइम गौरिया के घर पर डिनर करता है और खाना टेस्टी बताता है। थाइम उसकी फैमिली को खुश होते हुए देखता रहता है। कनिंग केविन के घर पर होती है और पूछती है कि तुम लोगों को क्या बात करनी है। केविन कहता है कि हमें नहीं पता गौरिया सीरियस है कि नहीं, पर थाइम उसे लेकर सीरियस है। ये डिश 4,000 रुपए की है, हमें इजीली मिल जाएगी, पर सबके लिए ये काम इजी नहीं होता। एमजे भी कहता है कि हम लोगों की लाइफ बहुत अलग है। खाना खाते हुए वे लोग गेम खेलते रहते हैं कि जिसकी स्टोरी सबसे सैड होगी खाने का लास्ट पीस उसे दिया जाएगा। गौरिया कहती है कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता है, अपने खर्चे भी खुद उठाने पड़ते हैं और मेरी फैमिली पर भी कर्जा है। उसका भाई भी बताता रहता है कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। अब थाइम का टर्न है। थाइम कहता है कि मेरी लाइफ अच्छी है। घर पर खाना खाते हुए कोई बातें नहीं करता, हमें खाना खाते हुए चुप रहना सिखाया गया है, बस बिजनेस की बातें ही करनी है। मेरे घर वर्ल्ड के टॉप इंग्रेडिएंट से खाना बनता है, पर इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मेरी कोई सैड स्टोरी नहीं है। गौरिया उस पीस के 5 पार्ट करके सबको खिला देती है। एमजे और केविन कनिंग को समझाते हैं कि गौरिया अगर सीरियस नहीं है तो उसे थाइम से दूर रहने के लिए कहो। कनिंग केविन का नंबर मांगती है। केविन उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि MF4 के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। करिंग कहती है कि डिश 4,000 रुपए की थी ना, और उसे पैसे सेंड करके कहती है कि जो तुम लोग मुझे समझाना चाहते थे मैं समझ गई। गौरिया जो भी चूज करेगी वो उसके लिए बेस्ट होगा। मुझे अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट है, तुम्हें भी अपने फ्रेंड पर ट्रस्ट होना चाहिए, और चली जाती है। केविन उसे जिद्दी बताता है। कनिंग के पास अब 12 रुपए बचे हैं। गौरिया थाइम को बाहर तक ड्रॉप करते हुए उसके आने का रीजन पूछती है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आया था। गौरिया के पॉकेट से रैन का हैंकी गिर जाता है। थाइम उसे उठाकर दे देता है और मेडिसिन भी, और उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने रैन की फेवरेट डॉल तोड़ दी थी। गलती मेरी थी, पर मैंने बाकी फ्रेंड से भी बोल दिया था कि रैन से बात मत करना, पर रैन ने ऐसे बिहेव किया जिसे कुछ हुआ ही नहीं और मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया। वह डॉल उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। गौरिया कहती है कि मुझे क्यों बता रहे हो। थाइम कहता है कि मैं बस बताना चाहता था इसीलिए, और रैन एक अच्छा लड़का है, सब उसे लाइक करते हैं। गौरिया कहती है कि डॉल के लिए उसे सॉरी बोल दो। थाइम कहता है कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी। गौरिया उसे पुश करती है, वह भी उसे पुश कर देता है।
ऐसा करने के चक्कर में गौरिया के घर का गेट टूट जाता है। थाइम उसे गिरने से बचा लेता है और कहता है कि तुम्हारा घर अजीब है। गौरिया स्माइल कर देती है और उसे घर जाने के लिए कहती है। थाइम कहता है कि मैं गेट फिक्स करा दूंगा। गौरिया मना कर देती है। वह जाते हुए भी उसे ही देखता रहता है। उसकी मॉम सिंगापुर जाने के लिए रेडी होती हैं। मेडू ने वह टॉवल दिखा देती है और बताती है कि थाइम ने इसे फेंकने से मना किया है। वे कहती हैं कि ये जहाँ था वहीं पर रख दो और स्कूल में भी उस पर नजर रखो। नेक्स्ट डे गौरिया स्कूल आती है तो सब स्टूडेंट उसकी बार वाली पिक्चर्स देखते रहते हैं। गौरिया डर जाती है। थाइम भी आकर देख लेता है।